डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, फिजिक्स में हम लोग प्रकाशिकी खंड में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग, जैसा कि जानते हैं आप, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या और वक्रता सॉरी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पिछले क्लास में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो आर बराबर 2f का होता है। फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, आर इज इक्वल टू 2f या फिर f बराबर आर बटा में 2, जहाँ f का मतलब क्या हुआ, f का मतलब हुआ फोकस दूरी, r का मतलब हुआ वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो अब से अगर कोई पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो हम बोल सकते हैं r बराबर 2f। इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में सिद्ध भी किया था कि इसका प्रूफ कैसे होता है। चलिए इसी सूत्र पे आधारित, इसी संबंध पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो तो, 25 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, चलिए हम लोगों को यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि किसी दर कोई सा भी दर्पण रहे दोस्तों, ये सबके लिए लागू होता है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, करेक्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है किसी दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को एक्चुअली हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे सवाल बोला है, दिया है कि कैपिटल आर यानी कि वक्रता त्रिज्या का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग जो रिलेशन पढ़े हैं, संबंध पढ़े हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच, क्या है वो फार्मूला, तो एफ इज इक्वल टू आर बटा में 2, या फिर आप बोलो आर इज इक्वल टू 2f, तो बात दोनों बराबर है। आर कितना है दोस्त, 25/2, तो इसको कट करेंगे तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो आज से जान जाइए कि कभी भी अगर किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया रहे तो उसका फोकस दूरी हम लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर कोई सा भी वक्रता दर्पण रहे उसका वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो तो हम लोग उसका फोकस दूरी कितना बोल सकते हैं, फोकस दूरी बोल सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी टेन पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर हो, 10.25 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग, आप ये जो क्वेश्चन अभी बोले आप इसको खुद से क्वेश्चन को बनाकर और सेंड कीजिएगा, सिंपल है, हम लोगों को फार्मूला याद रहेगा आर इज इक्वल टू 2f, तो इजी वे में हम लोगों को बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है,
और टॉपिक्स का नाम है दर्पण सूत्र। नाम क्या है उसका? दर्पण सूत्र। हालांकि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला ये हम लोगों को टॉपिक्स है दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र किसको कहते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो जैसा कि आप 10th में पढ़े होंगे दो सूत्र, दो इम्पोर्टेंट सूत्र। पहला कौन सा? तो दर्पण सूत्र, जैसा कि अभी हम यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं। और दूसरा लेंस सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। आप जानते होंगे, आपको पता होगा कि दोनों में मात्र एक ही फर्क है, वो है चिन्ह का। अगर दोस्तों 1/v +1/u बराबर अगर 1/f होता है, तब इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। लेंस सूत्र के बारे में आपको पता होगा, 1/v -1/u बराबर 1/f, इसको हम लोग बोलते हैं लेंस सूत्र। इसको क्या बोलते हैं? लेंस सूत्र बोला जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस स्थिति में हम लोग दो लेंस के फार्मूला को प्रूव करें, दो जो एक दर्पण के लिए हुआ और एक लेंस के लिए हुआ। दर्पण में याद रखिएगा 1/v +1/u इज इक्वल टू 1/f, लेंस में 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र क्या होता है, किसको कहते हैं? तो फर्स्ट अर दिया दिया जाए, लिखेंगे 1/v +1/u बराबर 1/f को 1/f को दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण सूत्र कहा जाता है। चलिए अभी हम लोग देखें कि 1/v प्लस में अगर 1/u रहेगा इज इक्वल टू 1/v f रहेगा, तब हम इसको क्या नाम देंगे? दर्पण सूत्र। क्लियर? चलिए अब दर्पण सूत्र के बारे में हम लोग देखें कि किसको कहते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये हम लोगों को प्रूव कैसे होगा, यानी कि अब हम लोग देखेंगे इसके नीचे कि आखिर प्रूफ कैसे होगा 1/v +1/u इज इक्वल टू 1/f इसका प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ करने के लिए दोस्तों एक अवतल दर्पण हम लोग बना सकते हैं। एक अवतल दर्पण बनाना है प्रूफ करने के लिए। इस अवतल दर्पण का मान लिया कि नाम जो है MN है। एक अवतल दर्पण लिया जो MN एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इसका एक मुख्य अक्ष बनाया, यहाँ पे P है। आप बिल्कुल सही डायग्राम बनाइएगा, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। ठीक है, एक मुख्य अक्ष बनाया, ये क्या है मेरा मुख्य अक्ष। ठीक है, एक अनंत और सी के बीच एक वस्तु को रखा, ये इस वस्तु का नाम है ओ ए। इस वस्तु का नाम क्या है? ओ ए। इस हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और एक सेंटर से जब पास करती है तो सेंटर से होकर ही गुजरती है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये प्रतिबिंब बना। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं, जो प्रतिबिंब बना इसका नाम दे देते हैं हम लोग a-b। ये जो प्रतिबिंब है इसका नाम क्या है? a-b।
दोस्त, जहां पे वस्तु रहता है तो वस्तु कहाँ है? ओ पे। तो पी से लेके ओ तक की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं, जिसको यू से सूचित करते हैं, ठीक है। और जो प्रतिबिंब बनता है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब हम लोग यहाँ पे बन रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के भी बोलते हैं, भी मतलब प्रतिबिंब दूरी। और फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक? तो एफ से लेकर पी तक के, ये हुआ हम लोगों को फोकस दूरी, ठीक है। और हम लोग बात करें तो ये सी है और पी है, इसके बीच की दूरी को आर कहते हैं, ये आर है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हम लोगों को डायग्राम है। अब उसके नीचे लिखा जाएगा कि हम लोग क्या क्या माने हुए हैं, लिखेंगे उसके नीचे, फिगर के नीचे। माना एम एन एक अवतल दर्पण है, एम एन एक अवतल दर्पण है जिसमें जिसमें ओ ए वस्तु अनंत और सी के बीच रखी हुई है, जिसमें ओ ए वस्तु अनंत और सी के बीच रखी हुई है तथा इसका प्रतिबिंब, तथा इसका प्रतिबिंब ए डैश बी सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच स्थित है, सी तथा एफ के बीच स्थित है। चलिए इसमें हम लोग सभी बात को लिख रहे हैं। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए दोस्त, दो त्रिभुज में चलना पड़ता है, ठीक है। एक त्रिभुज यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ओ ए सी वाला त्रिभुज दिख पा रही है, और एक इधर वाला त्रिभुज, एक इधर वाला, एक ये वाला, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे त्रिभुज ओ ए सी तथा त्रिभुज सी ए डैश बी, सी ए डैश बी में हम लोग किस किस में चल रहे हैं? त्रिभुज ओ ए सी और त्रिभुज सी ए डैश बी में। तो यहाँ पता चल रहा है कि त्रिभुज ओ ए सी जो है समरूप है त्रिभुज सी ए डैश बी के, यानी कि जो हम लोगों को डायग्राम मिलता है दोस्त, वो कौन से त्रिभुज बनते हैं? समरूप त्रिभुज बनते हैं। क्लियर? कौन से त्रिभुज बनते हैं? समरूप त्रिभुज। अच्छा, दूसरी बात, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसका जो ऊंचाई होता है इसके ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ ऊंचाई क्या है? ओ ए बट्टा इसका ऊंचाई क्या है? तो ए डैश बी, ठीक है। त्रिभुज ओ ए सी, ओ ए सी में लंब कौन सा है? ओ ए। त्रिभुज सी ए डैश बी, सी ए डैश बी में लंब कौन सा है? तो ए डैश बी, ये लंब है, तो ये बराबर होता है ए डैश बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ओ ए बटा ए डैश बी इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ से? तो इसका जो ओ ए है और बट्टा ए डैश बी होगा, और
इसका सॉरी इसका जो लंब है, इसका लंब का अनुपात बराबर होता है इसके आधार, आधार क्या है, आधार है OC, और इसका आधार क्या है, CA डैश, ठीक है, CA डैश, CA डैश, यानी कि समरूप वाला का कंडीशन है। आप 10th क्लास में मैथमेटिक्स में त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि लंब का अनुपात और आधार का अनुपात बराबर होता है कब, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब। तो OA बटा A डैश B इज इक्वल टू OC बटा, अब हम या करके ऐसे लिख सकते हैं कि OA बटा A डैश B इज इक्वल टू OC है, ठीक है, OC, OC यहाँ है। इस OC को क्या लिख सकते हैं, PO में से PC घटा सकते हैं, तो इसको लिख दिया PO माइनस PC बटा CA डैश। CA डैश को क्या लिख सकते हैं, तो PC माइनस PA डैश। PC में से अगर PA डैश को घटाएंगे PC माइनस PA डैश, ठीक है, PC माइनस PA डैश, PC में से PA डैश को अगर हटाएंगे तो हम लोगों को CA डैश मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद क्या करना होता है कि अब इसके बाद भी दो त्रिभुज इधर वाला लेना रहता है, ये वाला जो हम अभी कलर कर रहे हैं। अब आपको चलना पड़ता है एक त्रिभुज में, यहाँ से आपको लंब डालना पड़ेगा, यहाँ से एक लंब डालना पड़ेगा, ये P है, यहाँ मान लीजिए कि R है, R लंब डाले हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा TR जो है लंब है PC पर, ये जो PC है इस पर लंब है, तो इसलिए हम लोगों को दो त्रिभुज मिला, एक BA डैश F, FTR, ठीक है। यहाँ से लिखेगा त्रिभुज कौन कौन सा है, BA डैश F तथा BA डैश F तथा FTR, त्रिभुज FTR में, ठीक है, FTR में, यानी कि त्रिभुज BA डैश F तथा FTR में हम लोग अभी चल रहे हैं। तो इसका लंब क्या है, तो इसका लंब देख पा रहे होंगे TR है, इसका A डैश भी है, तो यहाँ लिख सकते हैं TR बट्टा A डैश B इज इक्वल टू, इसका जो आधार है, इसका आधार क्या है, FR, ठीक है, कौन सा है, FR, ठीक है, तो इसका आधार हो गया FR बटा, छोटा वाला त्रिभुज का आधार क्या होगा, BA डैश F में A डैश F, तो यहाँ लिख दिया A डैश F, ठीक है, तो ये इक्वल हो गया। अब दोस्तों करना क्या है इसमें, हम ऐसा मान रहे हैं कि जो हम लोगों का ये जो त्रिभुज है इसमें A डैश F है, इसको हम लोग नीचे वालों को क्या लिख सकते हैं, सिंपल वे में हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एक और बात मानना होगा कि बिंदु R जो है जिस पे लंब डाले हैं वो P के अत्यंत निकट माना जाता है, यानी बिंदु R बिंदु P के अत्यंत निकट है, अत्यंत निकट है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि आप F डैश R बोलो, सॉरी FR बोलो चाहे FP बोलो, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, चाहे TR बोलो या TR
टीपी बोलो, है ना। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो हम लोगों का एफ आर है वो किसके बराबर लिख सकते हैं, एफ पी के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि आर बिंदु पी के निकट है, इसलिए यहाँ पे आर बिंदु के अत्यंत निकट पी को माना जाता है। तो एफ आर बराबर क्या हो गया, एफ पी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि जो इसका लंब है टी आर तथा ओ ए दोनों इक्वल हो सकता है, तथा चित्र से ओ ए जो है किसके बराबर है, टी आर के बराबर है, ठीक है। तब हम अब हम ले लिख सकते हैं कि टी आर है तो टी आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओ ए बट्टा ए डैश बी इज इक्वल टू एफ आर, तो एफ आर के जगह पे एफ पी, ए डैश एफ, तो ए डैश एफ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो पी ए डैश माइनस पी एफ, यहाँ लिख देंगे पी पी ए डैश, पी ए डैश माइनस पी एफ, तो क्या बचेगा ए डैश एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण दो मान लिए। अब आपको चलना पड़ेगा समीकरण एक और दो से, एक और दो से चलिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, एक नंबर यहाँ है, इसका एल एच एस देखिए ओ ए बटा ए डैस बी, समीकरण दो का एल एच एस देखिए ओ ए बटा ए डैस बी। तो जब दो समीकरण का एल एच एस बराबर होता है तो आर एच एस बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से आर एच एस क्या है, इसलिए पी ओ माइनस पी सी बट्टा पी सी माइनस पी ए डैस बराबर यहाँ एफ पी बटा पी ए डैस माइनस पी एफ। यहाँ अब क्या क्या पुट करना पड़ेगा, तो पी से लेकर ओ तक की दूरी क्या है, यू है, यू है। तो इस पी ओ के जगह पे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, ठीक है, यहाँ यहाँ चिन्ह परिपाटी से पीओ क्या है, पीओ पीओ एक वस्तु दूरी है, वस्तु क्या है, यू है। तो यहाँ पे हम लोग इसको चिन्ह परिपाटी से माइनस यू लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरे बात प्रतिबिंब दूरी कहाँ है, तो पी ए डैस पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो पी ए डैस यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी भी बोल सकते हैं क्योंकि पी ए डैस की दूरी भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग चिन्ह परिपाटी से माइनस वी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि पी से लेकर एफ तक की दूरी को, पी से लेकर एफ तक की दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोकस दूरी ना, पी से लेकर एफ तक की दूरी को फोकस दूरी, यानी कि पी एफ माइनस एफ। और पी से लेकर सी तक की दूरी को देख रहे हैं, पी से सी तक की दूरी को आर बोलते हैं, तो पी सी हो जाएगा माइनस आर, ठीक है। और आर का फार्मूला भी हम लोग पढ़े 2f, तो इसलिए हम लोग अब पी ओ के जगह पे माइनस यू, पी ए डैस के जगह पे माइनस भी, पी एफ के जगह पे माइनस एफ, पी एफ बोलिए चाहे एफ पी बोलिए माइनस एफ, पी सी इज इक्वल टू माइनस आर यानी माइनस 2f रखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे पी ओ के जगह पे माइनस यू माइनस पी सी देख लीजिए, पी सी, तो पी सी के जगह पे कितना माइनस 2f बट्टा बट्टा पी सी, तो पी सी क्या है माइनस 2f और माइनस भी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2f और यहाँ हो जाएगा माइनस भी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2f माइनस भी इज इक्वल टू
इज इक्वल टू एफ पी, तो एफ पी की जगह पे माइनस एफ, ठीक है, और पी ए डैश की जगह पे माइनस वी, तो माइनस एफ और नीचे रखना है माइनस वी पी एफ की जगह पे, तो माइनस एफ माइनस बी, और फिर ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे एफ पी, फिर से रखेंगे माइनस एफ, तो कुल मिलाकर अब हम लोगों को क्या मिल रहा है, माइनस यू माइनस माइनस प्लस टू एफ बट्टा माइनस टू एफ माइनस माइनस प्लस वी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस बी और माइनस माइनस प्लस एफ, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस यू प्लस टू एफ और माइनस बी प्लस एफ, तो इसको इसको हम लोग गुना करेंगे, इज इक्वल टू माइनस एफ और इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, माइनस टू एफ प्लस वी, ठीक है, माइनस यू को माइनस वी के साथ यू वी, यू को एफ के साथ माइनस यू एफ, माइनस टू भी एफ मल्टीप्लाई कर लेना भाई, ठीक है, और प्लस प्लस टू एफ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा, तो माइनस माइनस टू एफ स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस वी एफ। देख लो एल एच एस में भी टू एफ स्क्वायर है, आर एच एस में भी कट गया, यहाँ क्या बच रहा है, यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू, ये माइनस टू वी एफ है, इधर जाएगा तो माइनस वी एफ प्लस टू वी एफ, इस तरीके से यहाँ आ जाएगा यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू, यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, तो प्लस में वी एफ, ठीक है, यू वी इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में यू एफ, ठीक है, वी एफ प्लस यू एफ। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, यू वी एफ से भाग देने पर, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ यू वी एफ से यू वी एफ भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, यू वी एफ से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ एल एच एस में क्या है, यू वी है, यू वी एफ से भाग कर दिए, आर एच एस में क्या है, वी एफ, तो इसको भी वी एफ को भी हम लोग यू वी एफ से भाग कर दिए प्लस यू एफ, तो यू एफ में भी यू वी एफ से भाग कर दिए, यू वी को यू वी से कट कर दिए, वी एफ को वी एफ से यू एफ, तो यू वी एफ नीचे है तो यू एफ कट गया, तो यहाँ बच रहा है वन बाई एफ, यहाँ बच रहा है वन बाई यू, यहाँ बच रहा है वन बाई वी, इसलिए दोस्तों वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ हम लोगों को डिराइव हो गया, इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र, ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छे से डायग्राम बनाकर इसको प्रूव कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।